الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکماله اندھیرا تھا سب उजाला हुआ कशफत दुजा बिजमाल ही सिफात हैं उनकी सब ही भली हसुनत जमी व खिसाल ही पढ़ो मिलकर दुरूद उन पर सल्लु अलैहि व आलिहि. हों लाखों सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए उस मोहसिन आज़म ने कासिम क्या क्या न दिया इस आलम को दस्तूर दिया मंशूर दिया कई राहें दीं कई मोड़ दिए. ज़बाँ पे मोमिनों की जब भी ज़िक्र ताजदार आए ज़बाँ पे मोमिनों की जब भी ज़िक्र ताजदार आए तो लाजिम है कि फिर ज़िक्र चार यार आए. अबू बकर उमर उस्मान अली जब हों बागबाँ तो क्यों ना गुलशन नबवी में बहार आए. एहसास सदाकत रखता हूँ आईन अदालत रखता हूँ आँखों में हया दिल में तोफ़ी के शजात रखता हूँ. इस्लाम से मुझको उल्फत है ईमां की हलावत रखता हूँ. अबू बकर उमर उस्मान अली चारों से मोहब्बत रखता हूँ. इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई खून दिया सहाबा ने तब इस गुलशन में बहार आई. मुनकिर को यहाँ से गुज़रने की ताब नहीं है मुनकिर को यहाँ से गुज़रने की ताब नहीं है ये माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है. दिल में हो बुग़्ज़े सहाबा तो पढ़ लाख नमाजें ये लानत की निशानी है मेहराब नहीं है. मुनकिर को यहाँ से गुज़रने की ताब नहीं है मुनकिर को यहाँ से गुज़रने की ताब नहीं है ये माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है. दिल में हो बुग़्ज़े सहाबा तो पढ़ लाख नमाजें ये लानत की निशानी है मेहराब नहीं है. संभाल कर रखो ये जो फ़िरके तुम्हारे हैं संभाल कर रखो ये जो फ़िरके तुम्हारे हैं उमर भी हमारे हुसैन भी हमारे हैं. संभाल कर रखो ये जो फ़िरके तुम्हारे हैं उमर भी हमारे हुसैन भी हमारे हैं. अली के लाल नबी के चैन जिंदाबाद नबी के लाल अली के चैन जिंदाबाद सलाम तुझ पर ऐ शहे मशरिकैन जिंदाबाद. यजीद आते रहेंगे हर एक ज़माने में ज़माना कहता रहेगा हुसैन जिंदाबाद. हम्द व सलात के बाद इंतहाई एहतराम के लायक ज़ीवकार मुअज़्ज़ज़ सामईन स्टेज पर तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मेज़बानाने गिरामी बादशाही मस्जिद चिन्योट में शहादत कॉन्फ्रेंस के उन्वान पर अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए खड़ा हुआ हूँ. आप दुआ फरमाएं अल्लाह ताला फ़ायदे की बात मकसद की बात
अमल की नीयत के साथ कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे जो वक्त दिया गया है मैं कोशिश करूंगा अपने वक्त में बात को समेटूं, उसके लिए आप साथियों की तवज्जो चाहिए होगी। सबसे पहली बात तो आज के दिन 10 मुहर्रम के हवाले से चंद करने के काम हैं जो उम्मती होने की हैसियत से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो होने की हैसियत से हम सब के करने के हैं। सबसे पहला काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत, आपने इरशाद फरमाया 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने एक तोबा, एक कौम की तोबा कबूल की थी और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इस दिन और कौमों की तोबा भी कबूल फरमाएंगे। तो यह दिन जहां शहादत का दिन है, जहां तारीख के बहुत सारे अलमनाक हादिसात और वाकयात का दिन है, उसके साथ साथ इस उम्मत के लिए ख़ास तौर पर तोबा का दिन भी है। हमें अपने आमाले सैया या अपने गलत अकायद की तोबा करने के लिए कुदरत ने मौका दिया है, इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। दूसरा करने का काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाद रिवायात में आपने इरशाद फरमाया कि इस दिन अपने घर वालों पर वसात करने वाला, खुला खर्च करने वाला आदमी साल भर अल्लाह ताला से वसी रिजक लेता है। तो जिनके घरों में रोज़ेदार हों इफ्तारी के वक्त, और जिनके घरों में बेरोज़गार हों, रोज़ेदार न हों, उनके लिए सारा दिन अपने मामूल से हटकर कुछ इजाफी खर्चा कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह इसकी बरकात साल भर रहेंगी। तीसरी बात, आज ही के अमल के हवाले से आज बुध का दिन भी है। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस पालनपुरी ने लिखा है कि अगर कोई शख्स बुध के दिन मगरिब के बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर 1111 दफ़ा या गनीयू, अल्लाह ताला का नाम है, या गनीयू पढ़ लें, फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह ताला बुध के दिन, सिर्फ 10 मुहर्रम नहीं, हर बुध को इस अमल की बरकत से अल्लाह उसके फ़कर, तंगदस्ती, मोहताजी और गुरबत को ख़त्म फरमा देंगे। एक और बात अर्ज़ करूँगा, 10 मुहर्रम के दिन मस्जिद नबवी में मेरे और आपके मकबूल शख्सियत हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहिमहुल्ला तशरीफ़ फरमाते हैं। अपने शागिर्दों को, दोस्तों को बुलाया, शाम के वक्त जमा किया और जमा करके इरशाद फरमाया कि आज दिन था 10 मुहर्रम का, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का। मुझे बताओ कि सारा दिन तुमने पाक नबी के नेक नवासे के लिए क्या पढ़ा, क्या इसाले सवाब किया, उनके लिए क्या आमाल किए हैं, बताओ। जवाब ना मिला, सब खामोश रहे। तो फिर फरमाया कि अल्लाह की तौफीक से मैंने यहाँ रहते हुए इतने पारे भी पढ़े, गालबन 10 या 15 पारे इरशाद फरमाया, 10 पारे पढ़े, 15 पारे पढ़े, नवाफिल पढ़े, और उसके बाद इस सब का सवाब मैंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात को पहुँचाया। अल्लाह ताला इस काम की भी हमें नकल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमें जहाँ और बहुत सारे काम हम कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ वक्त निकाल कर उन शख्सियात को सलाम अकीदत पेश करने के लिए अल्लाह हमें कुछ पढ़ने की, कुछ उन तक इसाले सवाब की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त कम है, सिर्फ एक उनवान पर बात करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लोगों को अहले बैत कहा जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के लोगों को जो बाहर से आए और कलमा पढ़कर मुसलमान हुए उन्हें सहाबा किराम कहा जाता है। याद रखो, कुदरत ने हमें दो आँखें दी हैं, अगर किसी को दोनों आँखों से नज़र ना आता हो तो उसे कहा जाता है ये अंधा है, और अगर किसी को एक आँख से नज़र आए, दूसरी आँख से नज़र ना आए तो उसे कहा जाता है ये, बोलो भाई, काना है। खुदा ने हमें दो आँखें दी हैं, अगर हम बीना हैं, अंधे नहीं हैं और काने भी नहीं हैं, तो हमें दोनों आँखों के साथ देखकर अहले बैत के साथ भी मोहब्बत का इजहार करना होगा, सहाबा किराम के साथ भी मोहब्बत का इजहार करना होगा।
बहुत सारे लोग अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा किराम का इनकार कर जाते हैं और बहुत सारे लोग सहाबा किराम की मोहब्बत में अहले बैत का इनकार कर जाते हैं। और मैं और आप जो बैठे हैं, सच्ची बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, हम में से बहुत सारे लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। बाहर के लोग हमें कहते हैं आपके स्टेजों पर अहले बैत की शान बयान नहीं होती, आप लोगों के घरों में अहले बैत का तज़करा नहीं होता। लोग साफ कह देते हैं, मुंह चढ़ के कहते हैं कि आप लोग अहले बैत को नहीं मानते। मैं आप साथियों से अर्ज करूंगा उन एतराज करने वालों का मुंह बंद करने के लिए कि आप डट के कहिए कि अल्लाह की तौफीक से हम सहाबा किराम को तो मानते ही हैं, हम अहले बैत को भी सहाबा किराम की तरह मानते हैं। बल्कि सच्ची बात यह है, अभी आपने जोहर की नमाज पढ़ी है, फजर की नमाज पढ़ी है, आपने रात इशा की नमाज पढ़ी, जिंदगी की कोई नमाज जब भी आप खत्म करने लगते हैं व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसमें क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। ये आले मुहम्मद कौन है? ये अहले बैत हैं। तो खुल के कहिए, डट के कहिए, अगले का मुंह बंद कीजिए, उसे कहिए कि आप तो अपनी मजलिसों में, आप तो अपने स्टेजों पे, आप तो अपनी गलियों में अहले बैत का नाम लेते होंगे, हम अल्लाह की तौफीक से उस वक्त तक अपनी नमाज को मुकम्मल नहीं करते जब तक अहले बैत पर दुरूद व सलाम न भेजते। इमाम शाफी ने मौला फरमाया करते थे, या आल बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حبكم فرض من الله في القران انزل كفاكم من عظيم الفخر انكم من لم يصلي عليكم لا صلاه لا। ए अहले बैत, आप कितने खुश किस्मत हैं, आपकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में जरूरी करार दिया है, आपकी शान कुछ और न भी होती, आपकी शान बयान करने के लिए इतनी बात ही काफी थी कि किसी मुसलमान किसी नमाजी की उस वक्त तक नमाज पूरी नहीं होती जब तक तुम पर दुरूद व सलाम नहीं भेज देता। एक और बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, हमारे पास अभी कुरान पाक की तिलावत हुई, हर घर में कुरान पाक मौजूद है, अगरचे ये कुरान पाक को भी शिकवा है कि जितना दूसरी किताबों को पढ़ा देखा जाता है कुरान पाक को इतना हमारे घरों में पढ़ा देखा नहीं जाता है। हम लोग क्लिप पर अपना ईमान बेच देते हैं, हम लोग काली किताब देख कर उस पर अपना ईमान फरोख्त कर देते हैं, हम लोग एक मैसेज पढ़ते हैं अपना ईमान स्याह कर लेते हैं, हम लोग कच्ची किताब देखते हैं और उस किताब के होकर रह जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे पास सारी किताबों से ज्यादा सच्ची किताब कुरान पाक की शक्ल में मौजूद है। और कुरान पाक ने सहाबा किराम और अहले बैत सब के लिए एक ही लफ्ज बोला, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, के सहाबा अहले बैत जो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए, जो फतेह मक्का के बाद दामे नबुव्वत में आए, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सब के साथ जन्नत का वादा फरमाया। इसलिए हम पंज तन पाक वाले नहीं, हमारा अकीदा पंज तन पाक वाला नहीं, हमारा अकीदा सब तन पाक वाला है। हुजूर के घर वाले भी पाक हैं, हुजूर के दर वाले भी पाक हैं, हुजूर के सहाबा भी पाक हैं, हुजूर के अहले बैत भी पाक हैं, हम उन्हीं पाक अहले बैत को भी मानते हैं, हम सहाबा किराम को भी मानते हैं, हम दोनों को मानते हैं। एक का इनकार करके काना या दोनों का इनकार करके हम अपने आप को अंधा नहीं बनाना चाहते। एक और वाक्य अर्ज करके बात को खत्म करता हूं। बर्रे सगीर पाक व हिंद की बात है, जहांगीर बादशाह की हुकूमत थी और जहांगीर के घर में नूर जहां एक बेगम जिसका ताल्लुक सुन्नी उल अकीदा सुन्नी मसलक के साथ उसका ताल्लुक नहीं था, दूसरे मसलक के साथ उसका ताल्लुक था, और उसने अपने दौर में यह कोशिश की कि बादशाह के महल में हूं, बादशाह के हरम में हूं, बादशाह की मलका हूं, मैं जो चाहूं यहां करूं। चुनांचे उसने खत लिखा ईरान में, ईरान की सल्तनत को खत लिखा कि आप यहां पाको हिंद में वहां से बेहतरीन आला और मजबूत माहिर किस्म के जाकिर भेजो जो यहां आए और आकर यहां के लोगों का अकीदा हमारे मसलक के मुताबिक बनाएं, इनका ईमान सुनियों वाला ना रहे। वहां से बंदे भेजो और साथ एक वसीयत की, एक नसीहत की, एक ताकीद की कि उनको आपने आगरा के उलमा इल्मी इलाके में नहीं भेजना,
लाहौर के दरबारी माहौल से गुजारते हुए भेजना है। यहां दरबारी लोग रहते हैं, ईमान कच्चे हैं, इनको एक क्लिप सुना दो, इनको एक तहरीर दिखा दो, ये उसी पे पागल हो जाते हैं, इनके ईमान कच्चे नहीं है, पहले यहां भेजना। लिखा है जाकिर आए और लाहौर में हमारे बुजुर्गों में हजरत मीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वहां एक हलका था, मुरीदीन में बैठे हुए थे, और वो जाकिर आए और आकर कहने लगे कि हजरत हम इस मजमे से कुछ कहना चाहते हैं। वली को अल्लाह ताला फरासत नसीब फरमाते हैं, वो कहते हैं चलने वाले की चाल देख के, टोर देख के लोग पहचान जाते हैं। हजरत पहचान गए कि ये किस मकसद के लिए आए हैं। जी कहो क्या कहना चाहते हो? जी हजरत आपके लोग बैठे हैं, मुरीदीन बैठे हैं, हम इनमें अहले बैत की शान बयान करना चाहते हैं। किन की शान भाई? अहले बैत की शान बयान करना चाहते हैं। फरमाया बड़ी अच्छी बात है, आइए बिस्मिल्लाह। कुर्सी पे बिठाया, कहा कीजिए अहले बैत की शान बयान। चुनांचे उसने अहले बैत की शान यूं बयान की, कहने लगा कि हमारी ईमान की मरकज हस्ती सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला नो का मकाम इतना बुलंद है, उनकी शान इतनी बुलंद है कि जहां पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला नो की कबर मुबारक है, जहां उनका रोजा है, उस रोजे से 10 मील दाएं बाएं आगे पीछे यूं 40 मील के अहाते में, 10 मील आगे 10 मील पीछे 10 मील दाएं 10 मील बाएं 40 मील के अहाते में दुनिया के किसी भी फर्द की कब्र बना दी जाए, इमाम हुसैन इतनी बाबरकत शख्सियत हैं कि उस पड़ोस में आने की वजह से वो मुर्दा भी बख्शा जाता है। मजमे ने सुभान अल्लाह कहा, हजरत शेख ने फरमाया कि सुनियों का ईमान बढ़ रहा है, दोबारा बयान करो। उसने दोबारा बयान किया, कहने लगा कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला नो का मकाम यह है कि जहां उनका रोजा है 40 मील अहाते में किसी भी गुनाहगार को दफन कर दिया जाए वो जन्नती है, उसकी बख्शिश पक्की है। सुनियों ने कहा सुभान अल्लाह। पीर साहब ने कहा इनका ईमान बढ़ रहा है, अहले बैत की मोहब्बत इनके दिलों में बढ़ रही है, एक बार फिर बयान करो। उसने तीसरी बार फिर बयान किया कि जहां इमाम हुसैन मदफून हैं उनके दाएं बाएं चारों अतराफ में 10-10 मील तक जिस बंदे को भी दफना दिया जाए बख्शा बख्शाया है, पक्का जन्नती है। मजमे ने कहा सुभान अल्लाह। अब हजरत पीर साहब खड़े हुए और फरमाया ओ मजमा मुझे ये बताओ, अहले बैत की खास तौर पर सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की मोहब्बत में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? सबने कहा हुआ, उनका इतना मकाम है। पूछा कि ये बताओ जाकिर साहब, आप भी बताएं और मजमा भी बताए कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को ये इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला था, किसकी वजह से मिला था? कहा यह तो नाना की वजह से मिला था। नाना कौन है? सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत पीर साहब को लुकमा मिला, खड़े हुए बात फरमाई और देखो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों का ये मकाम नाने की वजह से ये मकाम है कि जहां मदफून हैं 40 मील तक चारों अतराफ में जिसको भी दफन कर दिया जाए वो जन्नती बन जाता है। जब नवासे का खुदा ने ये मकाम रखा है तो मुझे बताओ नाना का क्या मकाम होगा? नाने के पास जो मदफून होंगे क्या वो जन्नती नहीं होंगे? जो रोजे रसूल पाक में दफन हैं, जो जन्नतुल बकी में दफन हैं, जो जन्नतुल माला में दफन हैं। इसलिए भाई अपना ईमान सलामत रखिए, ईमान बचा कर रखिए। अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबाए किराम पर अगर उंगली उठाओगे तब भी ईमान से हाथ धो बैठोगे, अहले बैत की मोहब्बत में सहाबाए किराम से इनकार करोगे ईमान से हाथ धो बैठोगे। खुदा न खास्ता सहाबाए किराम की मोहब्बत में अहले बैत की तरफ से मोहब्बत में कमी आएगी तब भी ईमान से हाथ धो बैठोगे। ये दोनों हमारी आंख का नूर हैं, हमारे दिल का सुरूर हैं, हमारे नफ्स का चैन हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। इसलिए मैं एक शेर दोबारा फिर दोहरा कर आपसे इजाजत चाहूंगा, संभाल कर रखो ये जो फिरके हैं तुम्हारे हैं, संभाल कर रखो ये जो फिरके हैं तुम्हारे हैं, उमर भी हमारे हुसैन भी हमारे हैं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।